काटिए काटिए ओ कटकटी बाजार में मीट पकड़ते नमस्ते का दुकानें मर गया हां हो गया कुल्ली अभी गए 6 पीस को 50 बोल रहे हैं चाइना का टमाटर इंडिया में बेच रहे थे आप पुराना जूता फेंक दिया पे कुछ है जो आपको दिखाऊंगा मैं हेलो व्हाट्स अप एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वंस अगेन। और आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ, वो भी अपने एरिया पे। हालांकि मैंने लास्ट वीक में ब्लॉग करने जाने वाला था, हम लोग का जो डेली वीकली मार्केट है वहाँ पे जो खटखटी पे है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक में जा नहीं पाया और आज जा रहा हूँ मैं मार्केट करने के लिए। हम लोग का जैसे कि वीकली बाजार में हम लोग क्या क्या खरीदता है वो आप सबको दिखाऊंगा, मैं एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगा। और प्लस में आपको वो खटखटी मार्केट जो ट्रस्टडे वीकली बाजार लगता है वो सब कैसा होता है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। सो गाइस ये हम लोग का रास्ता ऐसा है, बाजार जाने वाला रास्ता। Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So guys, आज दिन मौसम पे ऐसा है, देखिए, इसलिए वीडियो क्वालिटी इतना क्लियर नहीं आ रहा है। फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को पोर्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। चलो। देख सकते हो आप लोग इधर पोर्क का मार्केट, देख सकते हो पोर्क का मार्केट। माइला कितना बड़ा है रे बाबा। नहीं ये तो लोगों ने की देख सकते हो, ये है खटखटी बाजार का बोचर पोर्क मार्केट। और यहाँ पे हम लोग पेट नारी खरीद रहे हैं। नारी कितने का केजी? नारी की 260 हो, 200 बरा दिया से। यहाँ पे ऐसा काटता है मीट, देखिए वाह, काटिए काटिए काटिए। ओ आपका नाम क्या है? वर सिंह। दिन में यहाँ पे कितना टू गावरी काटता है? दिन में 200। आपका मैं 200 इधर में सब मिला के बाजार का दिन 50 टू बाजार का दिन, वाह 50 टू जाता है ये। आप आके यहाँ पे गावरी का मीट ले सकता है। बेर सिंह का बुचर शॉप देख सकते हैं आप, पूरा चकाचक फ्रेश मीट उधर भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। आज रास्ते का दिन है, आज थोड़ा मार्केट ठंडा है ना, ठंडा है क्योंकि आज मौसम भी ठंडा है ना, इसीलिए आज मार्केट भी ठंडा है। फिलहाल हम लोग का मार्केट तो हो गया, हम लोग का यहाँ पे लेना था ले लिया, फिर आएंगे। सो देख सकते हैं आप लोग इधर सुअर जो पोर्क वाला मीट, आप इतना मार्केट लगा हुआ है। आज ठंडा है ना मार्केट? ओहो मार्केट ठंडा है आज। सो ये तो हो गया दोस्त लोग, ये खटखटी का, ये थर्सडे बाजार का क्या बोलना है आपको? खटखटी बाजार में मीट बाजार में कितना टू गौरी काटता है दिन में? हाँ दस टू पूरा मिला के कितना काटता है? मिला के 40-50 काटता है ना आज? नहीं काटता है आज, नहीं काटता है आज, नहीं काटता है। एक बाजार का दिन में नहीं कटता है? बाजार का दिन में 1500 ऐसा जाएगा। ओ आजकल मार्केट ठंडा है, ठीक है ठीक है। फिलहाल गाइस मैंने गाड़ी पार्क कर लिया है, अभी चलते ही बाजार की ओर, जो खरीदने वाला खरीद के दिखाऊंगा मैं जो कुछ भी करेंगे। अभी पीछे इधर साइड में बाजार है तो जो कुछ भी लेंगे आपको मैं दिखाते जाऊँगा। रोड को ध्यान पूर्वक पार करना पड़ता है हम लोग, क्योंकि आज बाजार का दिन है और भीड़ होता है ना इसीलिए। ओ आनंद, वाह मेरा आनंद का दुकान है ये, मेरा भाई आनंद का दुकान। देखिए ये पूरा व्यस्त पैसा कमाने में लगा हुआ है यहाँ पे। कैसा है कमाई? नमस्ते।
नमस्ते, काम दाम कैसा है? बकवास है, दिन मार्केट पूरा ठंड है आज तो, पूरा पूरा ठंड है, देख सकते हैं आप, बारिश का मौसम इसलिए, और प्लस पता नहीं लोगों का पास पैसा नहीं है ना क्या, मैं जैसा तुम जैसा भिखारी, तुमको तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं जैसा भिखारी होगा ना क्या, ऐसा है पूरा सड़क पे, जैसे कि चपली का दुकान इधर, जीरोक्स दुकान, हालांकि बताया गया है कि वो लोग उस साइड पे है, इस साइड पे है, जैसे कि नैन बाजार की तरफ पे, देखता हूँ कि क्या क्या मिलता है। फर्स्ट टाइम ये सेकेंड हैंड मार्केट, फर्स्ट टाइम मैं खटखटी बाजार एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। सेकेंड हैंड मार्केट जो भर भर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी पे है, आप लोग देख सकते हैं। आज पहली बार मैं खटखटी बाजार को एक्सट्रीमली मैं एक्सक्लूसिवली कवर कर रहा हूँ। का तनाव हम भी देखेगा थोड़ा, कपड़ा तो भाई एक बार देखो, बीस रुपया है, दुकाने मर गया। फिलहाल अभी हम लोग ये घरेलू ये किचन का सामान खरीदने जाने वाला है, प्लास्टिक का है, बहुत मजबूत है। कितना है इसका? 50 रुपया बोल रहा है ये भैया, आप देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं हुआ ये 50 बोल रहा है, देखते हैं ये मैडम खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा ना, सिर्फ दूसरा की तरफ सिर्फ पूछ के चला जाएगा, पता नहीं, लेकिन अब सिर्फ लेगा कि सिर्फ पूछेगा ही, देखता हूँ। ओ लेने वाला है, देखो लेने वाला है, ले लिया, जो ले लिया ये खरीद लिया। फिर आप हमको भी इतना बुकाया गया, देखिए देख सकते आप, हो गया कुल्ली अभी तो। ये बाजार का फिनिशिंग लाइन वहाँ पे देख रहा है जो आप, वो फिनिशिंग लाइन है जो बगान का, उस तरह से फिनिशिंग लाइन होता है और स्टार्टिंग लाइन उधर से, तो आपको मैं स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन तो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो इधर आप चारों तरफ, एक तरफ सब्जी लगाया हुआ है, एक तरफ है इधर बर्तन का दुकान, उधर पे है वो शुशु वगैरह करने वाला शौचालय, जब भी आप इधर बाजार में आए, जब टॉयलेट एक नंबर दो नंबर लगने से इधर है अवेलेबल, पे एंड यूज़ आप कर सकते हैं। आपको मैं अभी इधर जाके दिखाऊंगा बरे, चलो सब्जी करना है, जल्दी करो, बारिश होने वाला है, देखो ऊपर पे ये सब्जी बाजार, फिर इस तरह पे सब्जी बाजार आ चुका है। और पता नहीं क्यों आदमी लोग इतना गोर गोर के देख रहा है, पहली बार पता नहीं, मैं ऐसा कैमरा लेके इधर में घूम रहा हूँ तो आदमी लोग ज़्यादा देख रहा है, सो मुझे भी थोड़ा इच्छी लग रहा है, पर कोई गल। और अभी यहाँ पे घरेलू सामान खरीदने की सुरसार, घरेलू स्टाफ यहाँ पे, बंदा को भी कैबेज खरीदने वाला, भाई कैबेज कैसा, किलो का कैसा है? 4 किलो फूल गोभी, 4 किलो, हालांकि आज शाम को मोमो बना के खाने का प्रोग्राम है, इसीलिए बंदा को भी तो ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे, जिन लोग आज मोमो बनाएगा बोल रहा है। 4 किलो 10 रुपये का दीजिए। ये भी हो गया चीनी वगैरह, तेल, चना, साबुन, कुछ क्या क्या है मालूम नहीं हमको तो। अब प्याज खरीदने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्याज का केजी कितना है, कहती है 40 रुपये केजी है बोल रहे हैं। और उधर आलू भी खरीदने वाला है, आलू का 15 रुपये केजी। प्याज भी हो गया, आलू भी हो गया, यहाँ पे गोभी भी हो गया, अभी प्याज का पता भी हो गया, अभी देखता हूँ क्या मिलेगा और क्या खरीदूंगा। भारी हो गया, अरे भारी हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मुझे गधे जैसा बना दिया आप, मैं ये सामान बोकने के लिए आया हुआ जैसा, देख सकते हैं जितना भी भारी सामान लोग यहाँ पे लगा रहे थे ना, उसका तो उधर खाली कर दिया है, उसका बैग जो वो टूटेगा बोल के मेरे सब सारा सामान, यार ऐसा होने से सामने कैसे करके बोकेगा, मैं कूदे नहीं होगा, ये हटाओ ये नहीं होगा, अरे दोस्तों देख सकते हैं आप, ज़्यादा लोट हुआ इसलिए मैं दोस्त का दुकान पे लेके रात में जा रहा हूँ, और फिर आके आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने सामान रख दिया है दोस्त का में, तो फिर मैं इधर से जाके आपको शुरुआत से दिखा के जाऊँगा, ये रोड है हाईवे,
देख सकते हैं आप, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। आपका इधर साइड साइड में पूरा सब्जी, आंटी लग सब्जी, ये क्या क्या है हमको पता भी नहीं, ये रख के बैठा बैठी हुई है। तो गाइस आपको मैं पूरा बैठ के एक्सप्लोर तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन चल चल के एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। ये है खटखटी बाज़ार का, ये वोमेंस डिपार्टमेंट साइड का जो बाज़ार, और अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ सीधा, जो मैं अभी पहले जिना लोगों छोड़ के आया था उस तरफ पे, थोड़ा ऊपर करके दिखाऊंगा आपको। खटखटी बाज़ार आप लोग कमेंट करना जरूर मत भूलना, जरूर करना। तो अभी मैं फिर उधर पर साइड में भी दिखाने जा रहा हूँ आप लोग। फाइनली गाइस यही है फिनिशिंग लाइन ये बाज़ार का। अभी ये हम लोग यंचक खरीदने वाला है, क्योंकि ये भी मेरे एक वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है। ये देख सकते हैं कसरी आ रही हो, छोड़ा ला 50। देख सकते हैं गाइस कितना इसका महंगा है, 6 पीस को 50 बोल रहा है, 6 2 पीस को 50। आप सोच सकते हैं कितना महंगा होगा ये। हालांकि मैंने भी घास लगाया हुआ है घर पे 4-5, तो देखता हूँ बाद में, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, मुझे मैं उल्टा ही मैं बेचूंगा, तब देखता हूँ ये दाम कैसा हो गए। तब कति रुपये बोलो ना आंटी, 7 पीस दीजिए ना 50 पर। लो जा रे, आंटी बहुत दयालु है, वो 7 पीस दे दिया। हालांकि वो बोल रहे थे कि बोल रहे थे कि वो 6 पीस देगा 50 में, लेकिन बहुत अच्छी है, वो 7 पीस दे दिया हम लोग को। और आप लोग को मैं एक टमाटर दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये किस तरह का टोमेटो है रे, हाँ चाइना का टोमेटो इंडिया में बेच रहा है, देखिए वाह ये टोमेटो देखिए। इसका देखने के बाद खाने के भी दिल नहीं करता है, ये सजा के रखने के लिए दिल करता है ना, इतना अच्छा। वाह केजी कैसा है इसका, 40 रुपया। देख सकते हैं आप खटखटी बाजार में इस तरह का टोमेटो भी मिलता है, देख सकता है आप लोग। ये भी टोमेटो है, वो चाइनीज टोमेटो था, ये जो है ये ट्री का टोमेटो है, घास ऊपर पे ये ट्री पे इसका टोमेटो लगता है, ये दूसरा नॉर्मल टोमेटो है, ये ट्री टोमेटो देख सकते हैं। आपको एक सिनेमेटिक भी दिखा दूं, going under and this time I fear there's no one to save me, this all or nothing really got a way of driving me crazy, I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold, it's easy to say but it's never the same। आगे में मेरा हाथ पूरा दर्द करने लगा है ना, बहुत भूखा था, अभी वो लोग को भूखने दिया है, मैं सिर्फ मेरे हाथ में एक हाथ में ये एक्शन कैमरा है और एक हाथ में मोबाइल है, तो देख सकते हैं वो लोग अभी पूरा, मैं नहीं भूख रहा हूँ अभी। इस तरफ में भी मार्केट पूरा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप बगान का नीचे में भी ये। और फाइनली गाइस हम लोग अभी ये रोड साइड में निकल ही चुका है, अभी देख सकते हैं आप जो रोड पहले में घुसा था इसी रोड से अंदर की तरफ पे घुसा था, अभी फिर इसी में निकलने वाला हूँ। तो आप लोग के बता दूँ ये रोड इस तरफ जाता है दिमापुर और इस तरफ जाता है बकाजन और फिर आनंद का दुकान की तरफ में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा हालत पूरा पतला हो गया है, मैं चल 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 के पूरा पतला हो गया, पूरा थक चुका है, इसलिए मैं इधर बैठ गया हूँ। देखिए इधर इतना सामान हो चुका है, फिर भी वो लोग को अभी भी कुछ सामान करना है बोला, इसलिए वो लोग चले गए वो लोग,
मुझे ही बोल रहे थे, मैंने बोला ना बाबा ना हम नहीं जाएगा, हम इधर ही बैठेगा, सामान को देखेगा बोल के इधर ही आनंद का दुकान पे ठहरा हुआ है। वो लोग कभी भी सामान खरीदने के लिए गया हुआ है तो मैं तू नहीं सकेगा। ये औरत लड़की लोग के साथ शॉपिंग वगैरह मार्केट करने की इतना क्षमता नहीं है मेरे पास भाई रे बाबा। तो वो गया, मैं यहीं पर रोक के यही देख रहा हूँ तो कब आएगा वो लोग, आने के बाद फिर देखता हूँ क्या खरीदेगा वो लोग। तो गाइस ऐसे ही बजट तो आ ही गए और सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सामान खरीद लूँ। तो क्या खरीदूँ क्या? ये शू खरीदने के लिए बोल रहा है दोस्त आनंद। अच्छा वाला दिखाओ ना। तो गाइस देख सकते हैं ये मैं खरीदने जा रहा हूँ अभी, इसका प्राइस है 300 रुपया ना। कितना कितना? और ये गारंटी दे रहा है ये भाई साहब, एक साल कंटिन्यू पूरा आग बंद करके लगाने से भी एक साल जाएगा बोल के। तो देखेंगे कितना जाएंगे। तो ऐसे ही आ गए हूँ बाजार पे तो एक कुछ लेके जाएगा सोच के ये खरीदने वाला हूँ। तो एकदम एक्सट्रीमली चीप है, ज़्यादा दाम नहीं। कितना है बोल दीजिए? 480 देने वाला दाम बोल दीजिए। हाँ सुना ना आपने, 480 रुपया बोला, इसका एकदम रिजनेबल प्राइस। अब आ सकता है, मार्केट रोड का सामने पे है। तो अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पुराना जूता फेंक दिया ये और नया जूता लगा दिया। आप देख सकते हैं कैसा लगा बताना। पूरा आ ही गए तो एक जूता खरीद के होने से भी लेके जाएगा बोल के। देखिए फाइल्स का है ये, लेकिन ओरिजिनल फाइल्स का नहीं है, ये कॉपी वाला है। और पुराना जूता ये ऐसे बोला फेंकेगा नहीं, ये मैं ये खुद फिर भी लगाऊंगा। ये ऐसे लगाया था दिखाने के लिए, फिर खोल के वही लगाऊंगा। दिखाने जा रहा हूँ उस टाइप पे कुछ है जो आपको दिखाऊंगा मैं। नहीं है वो, आज मुझे डर हो गया। लेकिन यहाँ पे सुअर का बच्चा लोग रखता था, सुंगुर का बच्चा लोग, लेकिन आज नहीं है, लेट हुआ है। इस वो मिलने के लिए पूरा सुबह सुबह आना चाहिए। यहाँ पे पूरा सुअर का बच्चा लोग रखता था, अभी एक भी नहीं है। पूरा मुझे लेट हो गया ना, अभी 2 बजने वाला है इसलिए नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आऊँगा तो आप लोग को मैं दिखाऊँगा ज़रूर। आप देखिए इतना छोटा दिया, लंबा दो ना। सो मैं अंतिम बार आपको इस साइड का नज़ारा भी दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, खुतुर के बोलता है इसको नेपाली पे, खुतुर के पैसे रखने के लिए। ये पिगी बैंक लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे साउंड सिस्टम भी रखा हुआ है। इस साइड में दिखाने वाला था और मेरा जो बैंक खुल गया है अभी, मैं शायद मैं बैंक में जाना मुझे बहुत ज़रूरी है लगता है। गाइस आज का इतना में काफ़ी हुआ है, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हुआ है और मुझे कुछ पर्सनल काम भी पड़ा हुआ है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा लोड हो चुका है। अब ये बोकने के लिए बाइक में तो लगता है बाइक में तो नहीं जाएगा, एक छोटा हाथी ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से होगा, लेके तो जाना पड़ेगा। सो गाइस जितना सका उतना मैंने एक्सप्लोर कर दिया है पूरा। सो आशा करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा हुआ। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, और इसी तरह प्यार बरसाते रहना। और ये कहते हुए मैं मेरा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, आई मीन इन माय नेक्स्ट वीडियो।